ये ऐसी बात करना सबसे आसान काम है दुनिया में। अच्छा। ये भारत है और ये है। अगर ये बात मान ली जाए कि दांदे मिलते हैं हिंदुस्तान से, तो इसका मतलब है कि भारत का हाथ तो फिर बहुत लंबा है। इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट ग्रो करते जा रहे हैं। आपकी इकोनॉमी बैंकक्रप्ट है और आप फाइनेंशियल मैनेजर्स के सोचते हैं, अमरीका चला गया जो आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब दाड़े बोक गए। ये सारी स्ट्रेटजी जो आपके गले पड़ गई। इन हमलों के ताने बाने भारत और अफगानिस्तान से मिल रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों दहशतगर्दों के अफगानिस्तान और भारत में अपने हैंडलर से राब्तों के ठोस शवाहिद भी हाथ आए हैं। इससे पहले हम भारत के खिलाफ एक डोजियर दुनिया के सामने रख चुके हैं, अब अफगानिस्तान से भी इसके ताने बाने मिल रहे हैं। अया साहब, इन हमलों की जिम्मेदारी तो कलदम BLA ने कबूल कर लिया, लेकिन हमारे वज़ीर दाखिला साहब कह रहे हैं कि इन अनासर में तो इतनी सख्त ही नहीं है, इनके पीछे TTP है जो इन्हें सपोर्ट कर रही है और अमरीकी साख्ता असलहा और जूते भी इस जगह से मिले हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों का ये सिलसिला अचानक क्यों शुरू हो गया, क्या जाहिर कर रहा है? नहीं, BLA की और ऐसी तंजीमें जो हैं, इनकी कार्रवाइयां बलूचिस्तान में काफी अरसे से जा रही हैं, लेकिन हमारी ये फोर्सेस स्ट्रेच्ड आउट, ये बड़ी डेंजरस सूरत हाल है। इसका कुछ हमें करना चाहिए। कौन अनासर हैं, क्या कर रहे हैं, इनको तकवीत कहां से मिल रही है? अब ये जो है अफगान और भारत और ये और फलाना, बिल्कुल सच होगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अगर कहा है तो इन पे शक नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ऐसी बात करना सबसे आसान काम है दुनिया में। अच्छा। ये भारत है और ये है। पहले हम कहते थे कि वहाँ पे कॉन्सुलेट्स हैं उनकी, और कॉन्सुलेट से कार्रवाइयाँ हो रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ अफगानिस्तान की खुफिया तंजीम जो NDS है वो शामिल है, वो और रॉ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। वो कॉन्सुलेट्स जो हैं जब से तालिबान आए हैं वो बंद हो गए हैं। एग्जैक्टली, वहां पे उनका सफारती अमला काबुल से निकल गया है। तो अगर ये बात मान ली जाए कि दांदे मिलते हैं हिंदुस्तान से, तो इसका मतलब है कि भारत का हाथ तो फिर बहुत लंबा है। कि वहां भारत में बैठ के, मतलब उनके अब ठिकाने कहाँ हैं? कॉन्सुलेट्स तो चले गए, तो भारतीय अगर कोई हाथ है तो वो कहां पे मौजूद है? और अगर वो बॉर्डर के पास है, अफगान पाकिस्तान सरहद के पास है, तो फिर ये जो हम कुर्बानियां और ये वावेला जो हम तालिबान का करते रहे कि तालिबान आएंगे तो हमारा ये हो जाएगा और सब कुछ, वो वेस्टर्न बॉर्डर सेफ हो जाएगा, उसका फिर क्या बनता है? मतलब है कि ये बातें करना आसान है, पर जब तक हमारे पास ठोस शवाहिद ना हो, तो जो है किसी हतमी नतीजे पे पहुंचना इतना आसान नहीं है। और अफगानिस्तान के कौन से अनासर हैं? मतलब है कि वो जो शिकस्त खा गए, जो अमेरिकी जहाजों पे पहियों से पकड़ के बाहर जाना चाहते थे, वो हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है हम तालिबान पे तो उंगली नहीं उठा रहे कि ये अफगानिस्तान, ये अफगान तालिबान कर रहे हैं। तो क्या मतलब NDS की वो आमिर सालेह वगैरह जो है, जो अब जिनको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, वो इस पोजिशन में है कि हमारे खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं? तो हमें कुछ थोड़ा सोचा। और एक और चीज़ है जो मैं थोड़ा, ये थोड़े भारी दिल से कहना पड़ता है, जब आप पंजगूर जैसा ऑपरेशन होता है, नोशकी जैसा होता है, केच में होता है, भाई वो आदमी आते हैं, कहीं उन्होंने रात गुजारी होगी, सहूलतकार होंगे इनके, कोई कहीं से चले होंगे, जब तक आपको लोकल सपोर्ट ना हो आप ऐसी कार्रवाइयां कर नहीं सकते। दिलचस्प बात यह है कि ये इस किस्म के अटैक्स हमने पहले नहीं देखे। देखिए ये जो है ना अटैक्स, बम फाड़ देना, माइंस के अटैक कर देने, रिमोट कंट्रोल से कर देना, ये हम देखते रहे। मगर ये कि जी जिस तरीके से कैंप्स के ऊपर हमले किए इन्होंने, ये तो बिल्कुल उस किस्म के अटैक्स हैं जैसे कि कश्मीर मुजाहिदीन इंडियन आर्मी के जो कैंप्स थे कश्मीर के अंदर उनके ऊपर करते थे, कि जनाब ट्रक भरा और पहुंच के गेट के ऊपर उठा कर दिया, उसके बाद लोग अंदर आ गए और शूटिंग करनी शुरू कर। ये पंजरूर में यही हुआ। अब हमें तो पूरी एग्जैक्ट सिचुएशन का तो नहीं पता, नौशेर पंजरूर में हमारे FC के कैंप से जिनको अटैक किया गया, ये तो सुना नहीं था हमने पहले कि इस किस्म की ऑडेसिटी और इस किस्म की प्लानिंग के साथ ये कुछ हुआ। और अब हमें ये पता चलने लगा कि बहुत सारे ग्रुप्स ऑपरेट कर रहे हैं बलूचिस्तान में, एक ग्रुप नहीं है, 3-4 ग्रुप्स हैं। अब वो कह रहे हैं जी टेक्नोलॉजी चाहिए हमें, हमारी आर्मी तो सारा बलूचिस्तान कवर नहीं कर सकती, और अब हमें टेक्नोलॉजी चाहिए जिसके जरिए ड्रोन वगैरह 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 हम करें। तो अब देखिए ना, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग पॉलिटिकल सॉल्यूशंस, हमारी जो फौजी सोच है वो यही है कि फौजी सॉल्यूशंस होंगी, और दिन ब दिन फौजी सॉल्यूशंस हाथ से निकलती जा रही हैं। इंडिया की पहले दिन मुझे याद है 90 की दहाई में हम सेमिनार सुनते होते थे ये फौजियों के और उनके इंटेलेक्चुअल्स के, जो कि उनकी हिमायत करते थे, कि जी हमने इंडिया को
निप कर करके इंडिया को हमें बड़ा तंग करना है कश्मीर के अंदर, और वी विल रोड इंडिया, इंडिया विल प्ले अ वेरी बिग प्राइस फॉर, वो सही है अपनी जगह, मगर एक्चुअली वी आर द वंस हु एंडेड अप पेइंग द प्राइस, वी एंटर्ड इनटू अ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, और इंडिया की आर्मी बढ़ती जा रही है, उनकी इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, उनके बजट्स ग्रो करते जा रहे हैं, वो उनके लिए अब कितने साल हो गए, दो सदियाँ हो गई हैं मेरा ख्याल है, 90s से उनकी फौज वहाँ बैठी है, कम अज कम 25 years, 30 years हो गए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको, इट मेक्स नो डिफरेंस टू देम, अब वो उससे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के वो वेपन्स ले रहे हैं कि अगर आपके साथ कोई गड़बड़ हो भी तो आपकी जो ऑफेंसिव कैपेसिटी है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, तो देयर इज नो वे यू कैन कीप द कन्वेंशनल बैलेंस, आपकी इकोनॉमी बैंकक्रप्ट है और आप कन्वेंशनल बैलेंस के सोच रहे हैं, अमरीका चला गया जो आपको देता था कुछ, सऊदी अरेबिया आपके साथ नहीं है, तो आप मतलब दाड़े बोक गए, ये सारी स्ट्रेटेजी जो आपके गले पड़ गई है, अब आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें, उसके लिए हिम्मत चाहिए, उसके लिए विजनरी लीडर्स चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट को पीछे हटना चाहिए, उस सिविलियंस को देना चाहिए जिनकी कोई विजन है। सेठी साहब, कुछ उंगलियां हमारे जो वजीर हैं शेख रशीद भी दूसरे भी, ये कह रहे हैं कि जी वो अब हम TTP के साथ बातचीत नहीं करेंगे, अब हम लड़ाई करेंगे, ये भी कह रहे हैं कि ये जो बलूचिस्तान में जो हुआ है इस, ये भी अफगानिस्तान से आ रहा है, कुछ उंगलियां ईरान की तरफ भी उठाई जा रही हैं, तो क्या हम इन मसाइल हमारे सिर्फ इंडिया के साथ तो फिर नहीं रहे, और अफगानिस्तान के अंदर जो है वो अगर उन्होंने कहा कि जी ये TTP को और बलोचों को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, तो अफगान तालिबान फिर क्या कर रहे हैं वहां पर? अफगान तालिबान को भी इंडिया सपोर्ट करेगा, आप देख लीजिएगा, अफगान तालिबान की बातें नहीं सुनी आपने, किस किस्म की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों के खिलाफ, और फिर आपको एहसास है इस बात का, हमारे मीडिया बताता नहीं है, मगर अफगानिस्तान के अंदर हमारा ख्याल है कि अफगान पश्तून जो है वो हमारे साथ हैं, एक्चुअली नो, पश्तून तो बिल्कुल छोड़े, अब बाकी भी कोई हमारे साथ नहीं है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान, हम समझते हमने बड़ी उनकी मदद की है जो की है, मगर हमने मदाखलत भी बहुत की है, हमने फेवर्स भी बड़े प्ले किए, एक एक के साथ हमने गड़बड़ की है, तो हमारा अपना रोल वहाँ कोई खास अच्छा नहीं रहा, बहरहाल अब इनिशिएटिव हमारे पास नहीं है, तालिबान के पास, कल तालिबान की अमरीका उनके साथ कोई बात कर लेता है तो आपको वो भूल जाएंगे, कल को सबसे बड़े दुश्मन आपके वो बन जाएंगे, अगर उनको कोई इंटरनेशनल एलाय मिल गया तो देखिएगा फिर उनका रवैया आपकी तरफ क्या होता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो आपने खुफिया रखी हुई है बाहर निकालें, दलेरी के साथ बाहर निकालें, ऐसा लीडर सियासी लेके आए जो कि उसको अपनी मलकियत बनाए, अवाम उसके साथ हो और वो लेके चले वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, ये जो लोग छुपा छुपा के बनाते हैं और जो लोग जिनके हवाले आप करते हैं कि इसको करें, वो उनकी टांगे खड़कती हैं कि हम कैसे करेंगे, छोड़े इनको और आप पिछली सीट लें मेहरबानी करके, और ऐसा सिविलियन लीडर लेके आए जो पॉपुलर भी हो, जो इन चीज़ों में यकीन भी रखता हो और जो टर्न अराउंड भी कर सके और दुनिया के साथ बात भी कर सके। जी बिल्कुल, आपने चूंकि सेठी साहब जिक्र किया था पहले, चूंकि हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन आखिरी में एक चीज की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि अभी चंद रोज पहले मियां मंशा जो हैं पंजाब के बहुत बड़े सनअतकार और पाकिस्तान के मेरे ख्याल से सबसे बड़े उनके जो ग्रुप है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, तो वो चेंबर्स ऑफ कॉमर्स में गए हुए थे, वहां उन्होंने बात की कि भाई इंडिया के साथ जो है वो एक तो उन्होंने ट्रेड के ऊपर जोर दिया और उन्होंने कहा कि बातचीत भी हो रही है बैकडोर, आपने वो देखा होगा क्लिप और उसकी खबर भी काफी बनी, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ इस तरह की एफर्ट्स अफुट हैं और ये कामयाब हो सकती हैं? कामयाब क्यों नहीं हो सकती, मगर लेन देन होती है ना रजा, क्या आप देने के लिए कोई तैयार है या आप सिर्फ लेने ही चाहते हैं कुछ, क्या आप समझते हैं कि इंडिया चुप करके इस मौके को जाना देगा जब वो समझता है आप बड़े कमजोर हैं और आपको ठगा सकता है, तो इंडिया भी तो एक रियासत है ना जिसके साथ काफी अरसे से लेन देन हो रही है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये बैक चैनल इज नॉट गोइंग टू यील्ड एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे, जो कुछ बैक चैनल में अग्री किया जाता है वो फाइनली आगे लाके पार्लियामेंट के अंदर उसको प्रूव किया जाता है, कानून बनते हैं फिर जाके बात आगे बनती है ना, तो उसके लिए एज़ आई सेड यू नीड पॉलिटिकल लीडरशिप विद करेज एंड विजन, ना इमरान खान के पास कोई विजन नहीं है, इमरान खान एक ही एजेंडे पे लगा हुआ है जो क्या फेल हो गया, उसके अपने लोग कह रहे हैं कि यार ये जो अकाउंटेबिलिटी का एजेंडा है ना ये नैरेटिव ये बयानी अब चल नहीं रहा है, हमें अब कुछ परफॉर्मेंस का एजेंडा बनाना पड़ेगा, ये नहीं चल रहा, तो खान साहब बात मानने के लिए तैयार ही नहीं।